कानपुर जाजमऊ चेक पोस्ट जिन्नातों की मस्जिद के पास में सफाई कर्मियों की नियुक्ति के बावजूद बरसात से पहले नालियों की सफाई कराने की कोई कवायद नहीं की जा रही है। इससे बरसात होते ही मनोहर नगर वाजपेयी नगर में भीषण गंदगी बढ़ने और नालियों के जाम होने के कारण क्षेत्र मोहम्मद अब्दुल्ला, सुभाष वाजपेयी, नितिन अवस्थी, मोहम्मद शाहिद, साहिल, तालिब, अज्जू, ऋतिक अवस्थी लोगों ने अपने हाथों से सफाई की। क्षेत्रीय लोगों ने इस संबंध में विभागीय अधिकारियों व विधायक पार्षद तक बताया गया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। यहाँ के सफाई नायक हेमराज बोलते हैं, इतना बड़ा वार्ड है, हम कहाँ कहाँ पर देखें, आपको जिसको बोलना है बोल दो, हमारा कुछ नहीं होने वाला है, जहाँ पार्षद हमको भेजेंगे हम वहीं जाएंगे। जिसमें क्षेत्रीय जनता ने अपने हाथों से सफाई की और कहा कि जब पार्षद न सफाई नायक सुनने को तैयार नहीं है तो हम खुद साफ कर लेंगे। जिसमें प्रमुख रूप से सुभाष वाजपेयी, नितिन अवस्थी, मोहम्मद अब्दुल्ला, मोहम्मद शाहिद, अज्जू, नसीम, नन्हे, विनय, अब्दुल्ला आदि लोग उपस्थित थे। सुभाष वाजपेयी, आप लोग धरना प्रदर्शन क्यों दे रहे, क्या भाई यार, कभी कोई सफाई नहीं होती, कूड़ा निकाल के रख देते हैं तो आठ आठ दिन दस दस दिन कूड़ा निकला पड़ा रहता है, वैसे कोई उठाने वाला नहीं, फिर वो तुम्हारे अपने मुँह से उसको नाली में कर देती है। सफाई नायक आते नहीं, आते हैं तो उनके कर्मचारी यहाँ काम नहीं करते हैं, बस हमें क्या सफाई हो जाए, हमें कोई नेतागिरी की जरूरत ही नहीं है। पार्षद आती नहीं क्या है, पार्षद तो जब से बनी दोबारा आई नहीं कभी, उनका बेटा आता है वही पार्षद, सुपर पार्षद वही है, और यहाँ बड़े बड़े नेता भी रहते हैं गली में, पर कोई काम नहीं करवा पाता। क्या नाम है भाई साहब का? आप क्यों साफ कर रहे हैं, क्या हो गया? अरे हमेशा ये नाली हो कहते हैं, इसमें मेरा भरवा नहीं जा रहा, वो नहीं जा रहा, निकालते नहीं है, हमेशा साफ करना पड़ता है, और जब निकाल दे तो ये कूड़ा निकाले रखा है जो कई दिन में, और उठता यही देखिए किया क्या जाए, नहीं गंदगी देखी जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला है, समाजवादी पार्टी से युवा सभा अध्यक्ष हूँ मैं। आप लोग क्यों साफ कर रहे थे, क्या करें? यहाँ पर जमादार आते हैं, बैठे रहते हैं, सफाई भी नहीं करते, और कई बार मैंने जरीना जी को, पार्षद जी को फ़ोन भी किया, कोई सुनवाई नहीं होती है, और 15 दिन से ये कूड़ा पड़ा हुआ यहाँ की गंदगी, कोरोना महामारी ऐसे ही चल रही है, और सफाई भी नहीं होती यहाँ। आरटीआई न्यूज 24 के लिए नौशाद अहमद की रिपोर्ट। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आरटीआई न्यूज 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले।